ग्राम पंचायत छीला में वर्षों के बाद साकार हो रहा है खेल स्टेडियम का सपना। लोहावट विधायक बिश्नोई ने किया 50 लाख के खेल मैदान का शिलान्यास। जोधपुर जिले की पंचायत समिति लोहावट मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर छीला ग्राम पंचायत क्षेत्र में 15 साल पहले आरक्षित भूमि पर अब खेल स्टेडियम का सपना जल्द ही साकार होगा। प्रशासन व पंचायत समिति की रुचि लेने से मनरेगा के तहत 50 लाख रुपए की लागत से स्टेडियम निर्माण के लिए काम शुरू कर दिया गया है। शनिवार को क्षेत्रीय विधायक कृष्णाराम बिश्नोई ने यहां आयोजित कार्यक्रम में खेल मैदान का शिलान्यास किया। यहां खेल स्टेडियम के लिए 25 बीघा जमीन वर्षों पूर्व आरक्षित की गई थी, लेकिन प्लानिंग में देरी के कारण खेल मैदान नहीं बन पाया। अब मनरेगा के तहत निर्माण की रूपरेखा तैयार करवा कर काम शुरू कर दिया गया है। कल शनिवार को हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बिश्नोई ने कहा कि छीला गांव से उनका विशेष लगाव रहा है, चाहे कस्बा हो या ढाणी, विकास के कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी। विधायक ने कहा कि खेल मैदान बनने से छीला सहित आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में गांव की प्रतिभाओं को भी मदद मिलेगी। प्रधान गीता राव का कहना है कि बनने वाले स्टेडियम में चार दीवारी में बैठने के लिए शेड सुविधाएं सहित अन्य आधुनिक सुविधाओं के साथ स्टेडियम बनकर तैयार होगा। स्टेडियम का काम तय समय में पूरा हो इसके लिए प्रशासन की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं लोहावट विधायक बिश्नोई ने खेल मैदान की चार दीवारी बनवाने, दो डामर सड़कें जो कि रेलवे ब्रिज से रामसागर तक वे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छीला से गौरव पथ तक बनाने की घोषणा की है। साथ ही प्रधान गीता राव ने अम्बेडकर सर्कल की चार दीवारी बनाने की घोषणा की। इस कार्यक्रम के दौरान सरपंच नारायणी देवी पालीवाल, CVO केशुराम बिश्नोई, भवनलाल पालीवाल ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में तहसीलदार रामस्वरूप मीणा, सरपंच मुबारक खां, पंचायत समिति सदस्य समदा मेघवाल, उप सरपंच मनीषा पवार, प्रधानाचार्य बबीता, खूबचंद पालीवाल, रामचंद्र, आशुराम, देदूराम, दयाराम, पृथ्वीराम, गोर्धन राम, नरसिंह राव, ओम प्रकाश, रमेश, फतेहलाल, पुखराज आदि मौजूद रहे। अंत में ओम प्रकाश पालीवाल ने सभी का आभार जताया और मंच संचालन राधेश्याम पालीवाल ने जगदीश पालीवाल द्वारा किया गया। जोधपुर जिले से राजेंद्र खिच्ची की रिपोर्ट।